ग्राम विकास सामाजिक एनिमेटर संघ हरदा के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के समक्ष मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिला अध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हुए कहा कि शासन की प्रक्रिया के अनुसार हमारी नियुक्ति 2018 में की गई थी, जो अभी तक चल रही है। शासन के द्वारा लिखित परीक्षा और इंटरव्यू लिया गया था और इस आधार पर नियुक्ति हुई थी, लेकिन पूरे वर्ष भर हमें काम नहीं दिया जाता है। हमारी मांग है कि हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमें नियमित कर मासिक वेतन के साथ यात्रा भत्ता और वर्ष भर का वेतन दिया जाए, जिससे हमारा जीवन यापन ठीक तरह से हो सके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।